नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे जो सॉन्ग है धागा, जिसको टीवीएफ द्वारा कंपोज किया हुआ है, इसको फ्लूट पर बजाने की कोशिश करेंगे। ये फ्लूट है जी बेस स्किल की, मेरी ही कंपनी शिव म्यूजिक फ्लूट है। और इसके अलावा अगर आप फ्लूट कोर्स परचेस करना चाहते हैं या फिर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक बार पहले आपको सुना देता हूँ, जिन लोगों ने नहीं सुना है, कि फ्लूट पर किस तरीके का साउंड आएगा। अगर आप इसके नोटिशंस लेना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जो उठाना है नोट, वो ग नोट से उठाना है। देखिए इसको धीरे धीरे देख लेते हैं। सॉरी, रे नोट से उठाना है। ये अपना सा हुआ, तीन होल क्लोज करके हमने सा माना, तो ये रे, ये ग, तो आपको रे नोट से उठाना है। ठीक है, रे ग रे ग। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज कीजिए। रे ग रे ग। इसके बाद आपको मा प। अब जो मा है वो शुद्ध बजाना है आपको, है ना। तो मा शुद्ध बजाने के लिए हम ये वाला जो फर्स्ट होल है इसको 20% अप्रोक्स खोलते हैं। तो जैसे मैंने इसको हल्का से स्लैप किया तो ये मा शुद्ध होगा। फिर से देखिए, फिर प, रे ग रे ग म प। फिर से देखिए, इसमें आपको लेना है ग से ग रे सा। अब ग पर हल्की सी हरकत लेनी है, जिसमें आपको म को कड़ स्वर की तरह प्रयोग करना है। ठीक है, तो माँ को आपको हल्का सा उठाना है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे स्लैट भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप बजा सकते हैं। वैसे देखिए, यहां तक हुआ, सात तक आप लौट कर आ गए। फिर अब आपको लो ऑक्टेव में जाना है, लो ऑक्टेव का ध। ठीक है, ध स रे ग रे सा सा। तो जो सा है वहां पर आपको ठहरना है। फिर से देखिए, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन होगी। फिर इसी को आपको रिपीट करना है, वहां पर लिरिक्स हल्के से चेंज हो जाएंगे लेकिन जो धुन है वो इसी तरीके से। इसके बाद आपको प्ले कर रहे हैं। इसके बाद हो ना जाना तू साथी सारे मा 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 गरे गरे सा। तो यहां पर रे गरे सा, इसको आपको जल्दी लेना है, साथी रे गरे सा, है ना। तो ये आपको रटना नहीं है, ये आपको समझना है कि जो हरकत है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं, ना। कोई भी कंपोजिशन है तो जरूरी नहीं कि आप उसको एक
मतलब जैसा कंपोजिशन है वैसे फॉलो करो, आप उसमें अपनी खुद की हरकत डालो, खुद से इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करो, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। फिर से देखिए, उड़ता सा बादल हो ना जाना, सारे साने सारे। अब यहाँ पर लो ऑक्टेव का नी प्रयोग हुआ है ना, आती है इसकी मेन लाइन जहां से आपको धागा से उठाना है ना, तो वो नोट होगा पा नोट। अब आपको इसमें देखिए प के बाद धागा ये पा 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 मा। अब मा के बाद आपको नी कोमल लेना है, ठीक है। अब नी कोमल के लिए जैसे हम जानते हैं ये ध शुद्ध होता है, धशुद्ध के बाद नी कोमल आएगा, तो आपको नी कोमल के लिए ये जो फिफ्थ फिंगर है इसको आपको हल्का सा खिसकाना है ना। ये देखिए ये धशुद्ध, ये नी कोमल और ये नी शुद्ध होता है, तो यहां पर नी शुद्ध नहीं बजाना है, आपको नी कोमल बजाना है, ठीक है। ये मा हुआ। अब यहां पर जो फिंगर आप देख रहे हैं तो इसको आप रख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, रखने पर कोई फर्क नहीं आएगा साउंड पर, इसलिए मैं यहां पर रखा हूं सपोर्ट के लिए, तो आप ये रख भी सकते हैं और आपकी मर्जी हटा भी सकते हैं। फिर से देखिए यहां पर नी कोमल, फिर आपको म शुद्ध पर ठहरना है। धागा ये टूटे ना ये धागा, फिर तो इस तरीके से आपको ट्राई करना है, और जो नोटेशंस हैं उनको आपको रटना नहीं है, आपको साउंड समझना है। मैं ये हर बार बताता हूँ, क्योंकि इसलिए मैं आपको नोटेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ स्क्रीन पर, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको वो आदत पड़ जाएगी, तो इसीलिए आप पहले समझिए, हेल्प लीजिए वीडियो से, बजाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप नोटेशंस देखिए, फिर उनसे हिंट लेना है ना, कि आपको जहां जहां प्रॉब्लम आई थी वहां से आपने हेल्प लेके खुद बजाया, तब आपको समझ में